तो देखिए त्रिकोण मिति जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें दो वर्ष बना है, एक है ट्राई, ठीक है, इसका मतलब होता है तीन, और गोन, अरे गोन बना गोनो, इसका मतलब है क्या, कौन क्या था है मेट्री, मतलब माँ, अगर तीनों को बना दे तो क्या बोलेगा, तीन कोनों का माँ, त्रिकोणोमेट्री और तीन कोणों का माप भैया। चलो ये ठीक है, त्रिकोणों करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर किस तीन कोणों का, तीन कोण का मतलब त्रिभुज होगा, चलिए उसको भी लिखते हैं, हम बात करेंगे त्रिभुज का, लेकिन कौन त्रिभुज, तीन कोण तीन भुजा होगा तो त्रिभुज होगा, लेकिन कौन त्रिभुज, बोलो, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब पूरा बेसिक नहीं चलेंगे, कुछ ऐसा बात बाकी नहीं रहेगा जो छूट जाएगा आपका, सब नहीं चलेंगे वो, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है, याद कर पूरा ध्यान से याद करना पड़ेगा, प्रिवियन करना पड़ेगा। समकोण का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री का बनता कोई चीज, आप समझिए जैसे ऐसे है ये बना 90 डिग्री, और ऐसे हुआ देखो 90 डिग्री का, या फिर ऐसे है तो क्या बना 90 डिग्री का, ठीक है, ऐसे है क्या बना 90 डिग्री का, 90 डिग्री का बना इधर, यानी इधर 90 इधर 90 पूरा 180, तो कैसे 180 हमको समझ नहीं आता, तो आप यहाँ पर सेंट्रल लीजिए और मारे एक वेट मारिए, वेट मारेंगे एक वेट कितना आता है 360 का, तो आप ऐसे लोगे तो आधा कितना 180 हुआ, आप यहाँ लाइन मारते क्या हुआ 90 90, क्लियर, आपको वैसा वैसे नहीं मारेंगे, हमेशा मारेंगे लोग ऐसे कर सेंटर कर लो, ऐसा कर क्या गया इधर, ये पूरा 90 होगा, 180 होगा, 180 होगा, आप लाइन से मारेंगे 90 इधर 90 इधर, बजे बैठो, तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कि हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, और उसका जो है त्रिभुज का समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें एक कोण कितना होगा 90 डिग्री का होगा हमेशा, और फिर तीन कोणों का भाव कितना होगा, तीनों कोणों का भाव 180 आ देंगे, तीनों कोणों का माप जो है आपका 180 डिग्री, लेकिन एक कोण 90 डिग्री का होगा, बुझा तो ये आपका था तक का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब सर ये जो पर तो रहे इसे यूज कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, नोट कीजिए, मैं बता दें इसके बारे में।